हेलो पीपल, इट्स मीशान। थैंक सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है आर्टिकल 15। इट्स स्टारिंग आयुष्मान खुराना एंड ये मूवी बनाई है अनुभव सिन्हा ने। अनुभव सिन्हा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल डायरेक्टर हैं। इन्होंने वैसे तो काफ़ी मूवीज़ बनाई हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इनकी शायद ही दो तीन मूवीज़ देखी होंगी मे बी, क्योंकि मुझे इस टाइम तो दो ही याद हैं। दैट इज़ 10 जो मूवी आई थी एंड इट वॉज स्टारिंग जायद खान, अभिषेक बच्चन। वो मूवी आई थिंक थोड़ी अंडर रेटेड है। 10 बहाने गाना बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था, लेकिन मुझे वो मूवी एक्चुअली में पसंद आई थी। संजय दत्त वगैरह, लारा दत्ता भी थी उसमें शायद। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन थी उसकी, एंड जो वो पंकज कपूर वाला ट्विस्ट था मूवी में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड रिसेंटली अभी मैंने मूवी देखी मुल्क, स्टारिंग तापसी पन्नू, ऋषि कपूर। आई थिंक दैट मूवी इज लाइक वेरी पावरफुल मूवी, इतना पावरफुल। आई मीन व्हाट कैन आई से, एंड इट वाज अ वेरी पावरफुल मूवी। मैंने अभी रिसेंटली देखी है, तो उस मूवी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरे ऊपर। एंड सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस वन। एंड आयुष्मान खुराना, क्या बोलूँ यार, आयुष्मान खुराना ने एक अपनी ऐसी जगह सेट कर ली है बॉलीवुड में, दैट अब हर कोई वेट करता है आयुष्मान खुराना की मूवी आने का। लोग वेट करते हैं कि आयुष्मान खुराना की कोई मूवी आए, यार आयुष्मान खुराना की मूवी होगी तो स्टोरी अच्छी होगी ही होगी, दैट इज द परसेप्शन नाउ। एंड इसमें आयुष्मान खुराना की एंड जितने भी डायरेक्टर्स राइटर्स के साथ वो काम करते हैं, उनकी बहुत मेहनत है। लास्ट दो तीन मूवीज ही देख लीजिए आयुष्मान खुराना की, चाहे वो अंधाधुन हो या बधाई हो, या उससे पहले शुभमंगल सावधान हो, या उससे पहले दम लगा के हर्ष हो, सारी मूवीज में बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग डायलॉग्स एंड ऑब्वियसली अमेजिंग एक्टिंग बाय आयुष्मान। सो ही एक्चुअली नोज कि हाँ मुझे कौन सी स्टोरी करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ही इज़ अ वेरी वाइज डिसीजन मेकर। सो आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स विद दिस वन, क्योंकि डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं एंड आयुष्मान खुराना है, सो आई थिंक द दिस कॉम्बो विल डू वंडर्स। सो चलिए, लेट्स वॉच द ट्रेलर नाउ। इट्स 2 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स लॉन्ग, आर्टिकल 15। Here we go. मैं और तुम इन्हें दिखाई ही नहीं देते, संपन्न कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे कि जनगण मन में हमारी भी गिनती हो जाए। इंसाफ की भीख मत मांगो, बहुत मांग चुके। ऑनर के लिए बदल की दोनों लड़के, दोनों में संबंध था, दोनों के बाप मिलकर लुटका दिए। कैसे बच्चे का है? हाँ हाँ सर, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। ये भी दौलत है क्या? तुम्हें एक हीरो चाहिए आदित्य। हीरो नहीं चाहिए यहाँ, बस ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट ना करें। कैसा जो लिखे अब तो? सर केस इतना सीरियस लग नहीं रहा था सर। कब लगता सीरियस? इन लोगों के तो झूठे केसेस आते रहते हैं सर। ऑनर किलिंग है, हमारे लड़कियों का हत्या हुआ है साहब, और हमें तो केस बना रहे हैं साहब। अंशु नारी, आप थप्पड़ मारा था पूजा को, दिहाड़ी में 3 रुपए बढ़ाने को बोली थी। बोलो कितने रुपए? 3 रुपए। किसने किया है? मानजी के आश्रम के लड़के हैं सर। कौन है मानजी? मानजी मुझे जाते हैं, ब्राह्मण है सर। जाटव जी आप दलित हैं? जी सर। मतलब लड़कों के और आपके सेम जाते हैं? नहीं नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पासी है। तुम क्या? मैं कास्ट हूँ सर। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण है सर। मतलब मैं और मान जी सेम? अरे नहीं नहीं सर, वो कान में कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं, आप सही पाए। What the fuck is going on here? रेप था? गैंग रेप था सर। उस किताब की नहीं चलने देता जिसकी ये शपथ लेते हैं। तो लड़ाई है निशाद, उस किताब की चलानी पड़ेगी, उसी से चलेगा देश। सर, तीन लड़कियां अपनी दिहाड़ी में सिर्फ 3 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही थी। 3 रुपए जो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं उसके 2 या 3 घूट के बराबर, क्योंकि इस गलती की वजह से उनका रेप हो गया सर। उनको मार के पेट पे टांग दिया गया ताकि पूरी सात को उनकी औकात याद रहे। वाह,
look at the reflection in his sunglasses. Honor killing. Man. जितना ज़्यादा impressed हूँ मैं इस trailer से, उतना ही ज़्यादा sad हूँ मैं कि ये कितना real है, to be honest. I mean, इसमें I don't think हल्का सा भी exaggeration है. And I think this is the perfect time to, you know, have a movie like this present in our times, क्योंकि ये धर्म जात इतना होता है हमारे, you know, देश में. चाहे वो एंड ये बहुत बड़ा मिथ है कि ये छोटी जगहों पे होता है. नहीं, ये हर जगह होता है एक्चुअली में. पीपल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर सरनेम. पीपल जज यू कि आप किसे फॉलो करते हैं, किस चीज़ को नहीं करते हैं, एंड दे क्रिएट यू नो अ काइंड ऑफ अजम्पशन अबाउट यू. ये हमेशा होता है, कितने सालों से हो रहा है, एंड अब और ज़्यादा हो रहा है. टू आई एम सैडली, दिस इज लाइक यू नो अ वेरी सैड रियालिटी. माई हार्ट ब्रेक्स व्हेनेवर आई थिंक अबाउट दिस. उसने बस ऐसे ही, आयुष्मान ने जो वो सीन था जिसमें वो सारे पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा है कि तुम क्या हो, मैं क्या हूँ, वो बस उनका माइंडसेट जानने की कोशिश कर रहा है. एंड जो आयुष्मान खुराना ने जो यू नो एक नंबर एक्टिंग करी है उस सीन में, ही इज यू नो एड्रेसिंग देयर माइंडसेट एंड ही इज सो पिस्ड. ये सब जानने के बाद उसका दिमाग खराब हो रहा है कि व्हाट द फक इज एक्चुअली गोइंग ऑन. सो यू नो दिस इज एक्चुअली द माइंडसेट ऑफ द पीपल. एंड ये बहुत ही, आई मीन अनुभव सिन्हा हैट्स ऑफ मैन. जो आई डोंट थिंक इस टॉपिक पे यू नो किसी ने सोचा भी होगा यू नो कि मूवी बना सकते हैं या मूवी बननी चाहिए. यू नो आई डोंट थिंक किसी ने सोचा होगा. अनुभव सिन्हा इतना, आई मीन इट्स जिगरा मैन. अनुभव सिन्हा ने जब मुल्क बनाई थी, मुल्क का ट्रेलर देखा था, इट वॉज अ वेरी पावरफुल ट्रेलर, वेरी पावरफुल. ऐसा ही यू नो एसेंस था उस ट्रेलर में. इट वॉज वेरी पावरफुल. बहुत जो जितने भी डायलॉग्स थे उसमें इतना वेट था ना, मजा आ गया था. एंड सेम विद दिस वन. वो जैसे अपने सीनियर को एक्सप्लेन कर रहा है कि आप ये जो मिनरल वाटर पी रहे हो ना, इसके 3 घूंट के बराबर उन्होंने पैसे बढ़ाने को बोला था, इसलिए उनका रेप कर दिया गया ताकि पूरे यू नो जात को पता चल जाए कि उनकी औकात क्या है. दिस इज सच अ पावरफुल ट्रेलर एंड आयुष्मान खुराना डिलीवर्ड इट परफेक्टली. यू नो दिस इज द पावर ऑफ एन अमेजिंग राइटर, एन अमेजिंग डायरेक्टर एंड एन अमेजिंग एक्टर. सो जब मुझे पता चला था इस मूवी के बारे में, जब मुझे पता चला था दैट आयुष्मान खुराना इज वर्किंग विद अनुभव सिन्हा, मेरी तभी से यू नो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. एंड मैं ये ट्रेलर देख के कह सकता हूँ कि ये मूवी बहुत ज़्यादा यू नो ब्लॉकबस्टर होने वाली है. ये ऐसी मूवी होगी जो लोगों के मन में एक छाप छोड़ देती है. मैं काफ़ी मूवीज़ के बारे में ऐसा बोलता हूँ कि ये मूवी अच्छी है या ये मूवी बुरी है, दिस एंड दैट, लेकिन ऐसी बहुत रेयर मूवीज होती हैं जो आपके यू नो दिमाग में, दिल में एक परमानेंट छाप छोड़ जाएं, एक इम्पैक्ट डालें आपकी लाइफ में. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज. सो ऐसी एक मूवी थी अवेयरनेस डे जो आई थी. एंड इसी तरह की और भी मूवीज आती हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, बट दीज आर द काइंड ऑफ मूवीज, ये उस कैटेगरी में आती है ये मूवी, यू नो, जो आपका आपको सोचने पर मजबूर कर दे, जो आपको खुद के अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग को रीवैल्यूएशन पे मजबूर कर दे, वो मूवी होती है. एंड दिस इज वन ऑफ दोज. सो आई थिंक आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर एंड रियली वॉन्ट टू सी दिस मूवी. एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी ग्रेट. ऑनर किलिंग, कास्ट, ऊंची जात नीची जात, उनकी लड़ाई, वो उनको नहीं कह सकते क्योंकि वो ऊंची जात है. ऊंची जात छोटी जात को यू नो दबा रही है. किसी ने किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया. क्यों? क्योंकि वो ऊंची जात है, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता. इट्स द बुलशिट इज गोइंग ऑन मैन. दिस इज अ वेरी नेसेसरी मूवी गाइज. प्लीज जैसे ही ये रिलीज हो, प्लीज डू वॉच इट. आई एम प्रमोटिंग इट लाइक यू नो अलॉट नाउ. तो आप ये मूवी जरूर देखिए. ये मूवी बहुत ज्यादा जरूरी है एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट डजंट मैटर. यू नो इट एक्चुअली डजंट मैटर. जब हम किसी का नाम जानते हैं, पूरा नाम, तो हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए, अच्छा ये इसका ये रिलीजन है, अच्छा ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है, ये तो क्रिश्चियन है, अच्छा अच्छा साउथ इंडियन है, अच्छा ये तो पंजाबी होगा, ये तो बनिया होगा. नो, दिस मूवी इज गोइंग टू बी रियली वेरी ग्रेट गाइज. आई होप यू नो लाइक्ड इट इक्वली द वे आई लाइक्ड इट.
आई होप कि आप लोग समझेंगे कि इस मूवी का मैसेज क्या है. एंड आई नो दैट यू नो अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से मैटर नहीं करता है, जिनको इट डजेंट मैटर कि किसका क्या रिलीजन है, क्या धर्म है, क्या जाता है, इट डजेंट मैटर टू पीपल. ऐसे भी लोग हैं, मैं उनमें से एक हूँ, इट डजेंट मैटर टू मी. सो आई रियली होप कि ऐसे लोग और ज़्यादा बढ़ें. एंड अगर आप ऐसी कोई चीज़ अपने आस पास होती हुई देखते हैं तो प्लीज़ गाइज डू यू नो इंटरप्ट एंड ट्राई टू यू नो मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट दिस इज रॉन्ग. सो दैट्स इट गाइज, आई एम सॉरी अगर मैं इमोशंस में थोड़ा ज़्यादा बह गया हूँ तो इसीलिए आई एम सॉरी, बट दैट्स इट. प्लीज टेल मी योर थॉट्स, आप क्या सोचते हैं इस ट्रेलर के बारे में, आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, एंड वॉट आर योर थॉट्स अबाउट दिस यू नो अपकमिंग डुओ ऑफ आयुष्मान खुराना एंड अनुभव सिन्हा. आई एम प्रीटी हाइप्ड अबाउट इट. प्लीज टेल मी योर थॉट्स. एंड अगर ये वीडियो पसंद आई है गाइज तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली योर कॉल. एंड अगर आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप ऐसी वीडियोज और देख पाएं. एंड अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, स्टारडस्ट जैसी सोशल ऐप्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. एंड दैट्स इट, आप लोगों से जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.